चैनल 24 में मुजाहिद बिल्ली आपको खुश आमदेद करता है। और अभी अभी खबर आई है जिस बकौल शख्स से जो हमारे यहाँ मारूफ मानों में कहते हैं, यानी ब्रेकिंग न्यूज़, के एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने दस्तबरदारी का ऐलान किया है। और ये कोई पहली बात नहीं, इससे पहले भी एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ बड़े सीनियर सीजन हमारे सहाफ़ी सलाउद्दीन हैदर और आमिर ज़िया बैठे हैं, इनसे मालूम करूँगा कि अल्ताफ भाई ने पहले कितनी बार रिज़ाइन किया। और लेकिन उनको भी इल्म है, उनके कारकुनों को भी इल्म है कि अल्ताफ भाई के अलावा किसी दूसरे को उनके हामी, उनके कारकुन, उनके वर्कर, उनके मुशीर, उनके वज़ीर, उनके असम्बली के अरकान तस्लीम नहीं करते। और इस वक्त भी मज़ार क़ायद के सामने मैं देख रहा हूँ जहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान किया था मुत्तहिदा के क़ायद ने, वहाँ कारकुन पुरजोश नारा लगा रहे, और उनका यकीनन यही कहना होगा कि अल्ताफ भाई जो हैं दस्तबरदारी का ऐलान वापस लें। और मुझे बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी ने, जो लंदन में तर्जुमान है राबता कमेटी के, उन्होंने ऐलान किया है कि इस तरह की बात अल्ताफ भाई ने नहीं कही। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त जब खिताब कर रहे हैं तो इससे थोड़ी देर पहले ही आपको इल्म है कि एपेक्स कमेटी का इजलास सारा दिन चलता रहा, जिसमें कोर कमांडर कराची थे, डीजी रेंजर थे, गवर्नर थे, वजीर आला थे, और उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वजीर ख़जाना थे, लॉ मिनिस्टर थे, यानी तमाम अहम रहनुमा थे। और एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से ये कहा जा रहा है, ख़ासतौर पर कोर कमांडर को कोट करके, कि उन्होंने कहा कि फैसलों की रफ्तार बहुत सुस्त है, वो ऑपरेशन से मुतमईन नहीं है। यकीनन कुछ तहफ़ुज़ात का इजहार हमारी सिंध गवर्नमेंट के लोगों ने भी किया होगा, वज़ीर आला ने भी किया होगा, और उसकी कुछ अंदरूनी कहानी सामने आ रही है। मैं यकीनन जब यहाँ गुफ्तगू करूँगा तो लंदन में बैसर सबकतुल्ला काजी से भी बात करूँगा, अब्बास नकवी मज़ार क़ायद पर मौजूद हैं, उनके पास भी जाऊँगा। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मुत्तहिदा के क़ायद ने जो दस्तबरदारी का ऐलान किया है और कि मज़ार क़ायद पर उनके हामी मौजूद हैं। सलाउद्दीन हैदर साहब, फिर खबर यही बन रही है अभी जो आई है, यानी और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, आपने सुनी भी होगी। देखिए, एक चीज़ हमें बहुत साफ नज़र आती है, कई दफ़ा सुन चुके हैं बरसों से कि अल्ताफ हुसैन साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं, क़यादत से दस्तबरदारी का अनाउंसमेंट कर देते हैं, और फिर वर्कर्स की एक भारी तादाद 9-0 जमा हो जाती है, उन्होंने नारे लगाती है कि भाई वापस ले, वापस ले, वापस ले। बहुत सारी वजातें वो देते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, मैंने खुद देखा है, सुना भी अपने आंखों से, और फिर मैं एमकेएम के साथ रहा भी हूँ 7 साल। तो उसके बाद वो वापस लेते हैं कि अच्छा भाई तुम्हारे कहने पे वापस लेता हूँ, लेकिन अब ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। शायद उनके जहन में ये बात जो है कि ये गलतियाँ राबता कमेटी करती है, ये वो लोग करते हैं जो अल्ताफ चाहते हैं, वो उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, इससे वो दिल बर्दाश्ता होते हैं, इसलिए उनका जो तखयल है, उनका जो तखयल है, उनके जो ख्याल हैं, उनके जो वर्क प्लान हैं सामने, वो शायद राबता कमेटी पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती, ठीक है, गलतियाँ हो जाती होंगी गैर आजादी तौर पर। तो अल्ताफ हुसैन साहब वर्कर को इतना मानते हैं कि वह अपनी किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी वजीर को, किसी गवर्नर को हटा सकते हैं, वर्कर को नाखुश नहीं करते, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी की दलील है। तो आज जो उन्होंने किया है वो किसी बात में दिल बर्दाश्त हुए होंगे, इसलिए कि उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, शायद इस बात से भी दिल बर्दाश्त हुए होंगे, लोग उनको सही दिफा उनका नहीं करवा रहे, या कुछ भी वजह होगी, लेकिन ये बात ये यकीनन तय है कि जैसे आपने खुद कहा कि वज़ारे क़ायद अज़म पे फारूक सत्तार अभी मजलिस से खिताब कर रहे हैं और वहाँ पर उनका नारे लगा रहे हैं कि अल्ताफ भाई वापस ले रहे हैं अपना इस्तीफा, उन्होंने फारूक सत्तार के हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान किया, लेकिन अल्ताफ हुसैन के बगैर एमकेएम चल नहीं सकती है। आमिर, इस वक्त बहुत अहम इशूज भी मौजूद थे और जिसको शायद हम डिस्कस करना भी चाहते थे और शायद हमें वक्त मिला तो करेंगे। मसलन आपको इल्म है कि जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई और जो वीडियो लीक्स, यानी एक तो लीक्स आजकल, एक हमने पहले कौन सी लीक थी पता नहीं, पनामा लीक, इससे पहले कोई और लीक, विकी लीक्स, तो पनामा, अब तो हम ये जो वीडियो लीक्स जो शरीफों की, इस पर भी हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे। और जो ख़ास तौर पर जो एपेक्स कमेटी का इलाज एक बार हुआ है जिसमें कोर कमांडर और रेंजर्स के सरबरा, और आपको ये भी इल्म है कि अभी रेंजर्स को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा जब उनके एमकेएम के कारकुन उनकी हिरासत में हलाक हुए, और उन्हें पहले तो उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहा नहीं साहब हमारे हाथों मारा नहीं गया बल्कि हरकत कल मेरे उससे हुआ, और बाद में एम्बेरसमेंट हुई ऑपरेशन पे, यकीनन उस पर जो शकूक व शुबात थे उसमें इजाफा हुआ, और उन्होंने फिर ये तस्लीम किया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हिरासत में भी लिया। और एक बार लोग ये कहते हैं कि जब इस तरह का वाक़ सानिया होता है तो एमकेएम को एक नई लाइफ मिल जाती है। तो एक तो
अल्ताफ़ हुसैन के बारे में जिस तरह हमारे आपको इल्म है कि सलाउद्दीन हैदर भाई तो बड़ा इनका बड़ी गहराई गिराई से नज़र रखते हैं, अप एंड डाउन के लोग कहते हैं ये अंदर के आदमी भी हैं भारत इनके तो इस पर तो ये है। लेकिन ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन के हवाले से मैं देख रहा था कि कोर कमांडर साहब कहते हैं या जब ये कहते हैं कि हम इससे मुतमईन नहीं है, तो भाई आपको 2.5 साल से फ्री हैंड मिला हुआ है रेंजर्स को, कोर कमांडर साहब को फ्री हैंड मिला हुआ है बेचारी, ये तो बेबस लाचार शाहों की हुकूमत है, जरदारियों की हुकूमत है। आमिर जैसे इतना जुमला मैं आपको कहना चाहता हूँ, आमिर आजाद जी प्लीज़। देखिए जिस दिन ये आफ्ताब की डेथ हुई है, गिरफ्तारी तहवील में हुई है, और आपने आप तीनों इस प्रोग्राम में मौजूद थे उसी दिन, और हमने आपने कहा हरकत है कल बंद होने से उस वक्त लेकिन हमने उस वक्त भी ये बहस की थी कि नहीं रेंजर के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि हरकत है कल, तो क्रेडिट आपको टेलीविजन कराता है, हम तीनों के साथ जाना चाहे आपको जरूर जाता है जी। हाँ भैया देखिए मुझे सब दो बातें ना कि इसमें ज़ाहिर है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस्तीफे पे तो उन्होंने बात कर ली, उसमें मैं कोई मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहूँगा। बात यह कि ऑपरेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इतनी सादा बात नहीं, जैसा आप फरमा रहे हैं कि जी जो सिविलियन हुकूमत है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है बहुत ही बेबस है, लाचार है। बात ये सबको पता है कि चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का लेवल हो चाहे प्रोविंशियल, एक तनाव की कैफियत है सिविल और मिलिट्री क़यादत में, हर सतह पर है वो। अच्छा उसमें यकीन है जैसे इस तरह का वाक़ हुआ कि एमक्यूएम का एक कारकुन हलाक हो गया मारवाई अदालत कत्ल, वो ज़ाहिर है कि एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फौजी क़यादत ने उस पर बरवक्त कार्रवाई की और एक इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जो कि मेरे ख्याल में एक अनप्रेसिडेंटेड बात है और बहुत ही मजबूत कदम है कि अगर उनसे गलती सरजद हो रही है तो वो चाह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी हो। एक बात जैसा जिम्मेदार इदारा जो है एक प्रेस रिलीज जारी कर दे बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के राहिल शरीफ साहब की बात करूँ की वहां से एक अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि उस तरह की आजादी नहीं कि आप गलती करें कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। फौज में ऊपर से नीचे तक होता है, अगर उनके नोटिस में आए, मैंने पहले भी प्रोग्राम में आपके अर्ज किया था कि एक होता है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी और एक होता है गलती, तो अगर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी नहीं है और गलती है और इदारा अपने आप को दुरुस्त करना चाह रहे हैं तो ये एक मजबूत बात होती है। मैं हम एक को रियासत के हवाले से अगर हम इस चीज़ को सोचते हुए चलें, अच्छा अब आए आप प्रोविंशियल इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें सिंध ऑपरेशन की, कराची ऑपरेशन की, तो उसमें हमें पता है कि जी तनाव की कैफियत है। अच्छा उसमें जो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही वो क्या नहीं हो रही कि रेंजर्स जो हैं एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करते हैं, जब वो मुजरिमों को पकड़ते हैं दहशतगर्दों का कलाकुमा करते हैं तो एक पॉलिटिकल स्पेस पैदा होती है जहां पर सिविलियन हुकूमत को चाहिए कि उस खला को पुर करे। वो क्या करे उसमें, उसको रिफॉर्म करने चाहिए, उसको जुडिशल रिफॉर्म्स करने चाहिए, उसको पुलिस रिफॉर्म्स करने चाहिए, उसको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम करने चाहिए। अच्छा इन तमाम महाजों पर कहीं पर भी फौजी क्यादत ने या रेंजर्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबे में या फेडरल सतह पर PMLN का हाथ रोका वो, ऐसा नहीं है। तो अगर रेंजर्स ये तशवीश के इजहार करते हैं, फौजी क्यादत कहती है जैसे कि यहाँ पे कोर कमांडर ने कहा कि जी फला फला चीज़ों पर रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है बहुत सुस्त है, तो वो उनकी शिकायत जो है बेजा नहीं है, क्योंकि वो काम जो है फौज के करने का नहीं है। उनका काम यह कि जी मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, गलत सही पकड़ें, जेल में डालें, एनकाउंटर करें, मारें, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन वो ये काम कर रहे हैं जो मैंने अर्ज किया कि जी पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या ये लोग कर पा रहे हैं, क्या ये लोग गुड गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस सूबे में, इस शहर में। तो हम सबको पता है कि कराची की क्या हालत है, हम सबको पता है कि सिंध की क्या हालत है, तो उसमें जाहिर है कि इनको वो रिफॉर्म्स का प्रोसेस बेहतर करना होगा, अपने ऊपर खुद तनकीदी करनी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब बिलावल साहब इतना अच्छा गर्जे बरसे बाग में और उन्होंने बड़ा एक मेरे ख्याल में बड़ा मजबूत स्टैंड लिया उन्होंने। आप अगर जी जरा आगे बढ़ गए और हम पैक्स कमेटी और दोनों इशूज, क्योंकि मैंने कहा कि फौरी तौर पर आए हैं, मैं जरा अपने ब्यूरो चीफ रफीक भुट्टो साहब से भी रابطہ कायम करूंगा कि जो एपेक्स कमेटी के इजलास की क्या अंदरून कहानी है, क्या खबरें आ रही हैं। साथ में हमें बैरिस्टर सिफतुल्लाह कादरी, क्योंकि लंदन में हैं, वो उनकी भी बड़ी नज़र रहती है अल्ताफ भाई के घर पर और उनके केसों पर, और बड़े वो भी अंदर के आदमी समझे जाते हैं, बड़े मुकदमे लड़ते रहे, बाखबर कहे जाते हैं, डर जाते हैं। जब आप कहते हैं अंदर के, हमें से कोई नहीं, हम लोग बाखबर हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं बाखबर होने, बाखबर तो अब यही तो एक है ना कि एक हम बाखबर हैं, एक अंदर के लोग दूसरे खबर होते हैं, मैं इसी में कह रहा हूँ। आप लोगों से ये कहूँ इससे पहले कि मेरे मेहमान बैसर सिफतुल्लाह कादरी और रफीक भुट्टो साहब हमें ज्वाइन करें कि जो जी हेलो
बैरिस्टर सिपकतुल्ला कादी साहब हमारे साथ लाइन पर आ गए। बैरिस्टर साहब, यहाँ आमिर ज़िया हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और सलाउद्दीन हैदर यहाँ बैठे हैं और मज़ार कायद पर धरना दिया हुआ है हमारे मुत्तहदा के हामियों ने, डॉक्टर फारूक सत्तार वहाँ पर खिताब हैं और अल्ताफ भाई ने एक बार फिर ये ऐलान किया कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं और फारूक सत्तार को सौंप रहे हैं। इससे पहली बार भी ये ऐलान हुआ, ये क्या? और बहरहाल उसकी कंट्रडिक्शन भी आ रही है कि मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी कुछ और कह रहे हैं, आप तक क्या खबर है? क्या इसको संजीदगी से लिया जाए उनके इस दस्तबरदारी के ऐलान को? लेकिन पहली बात तो ये है बरेलवी साहब कि मैं अंदर का आदमी नहीं हूँ। ताल्लुकात ठीक ठाक ताल्लुकात रहते हैं, मालूमात करता रहता हूँ, बाबू बड़े लिहाज बड़ी काइंड मुझसे बात कर देते हैं लोग। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, आप कह रहे हैं कि उसका डिनाइल भी आ गया है, क्योंकि अल्ताफ भाई जो है वो गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करेंगे। ये मुझे यकीन है कि वो जो पहले था कि इस्तीफा दिया बाद विड्रा कर लिया, फौज को बुरा वाला कह दिया विड्रा कर लिया, मेरे ख्याल था भाई उस रास्ते से हट गए। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो वाकई इसके मानिए कि इस्तीफा देंगे इस बार, क्योंकि हालात जरा मुख्तलिफ हालात हैं, तबीयत की खराबी तो उनकी रहती है लेकिन वो इतनी खराब नहीं है। लेकिन दूसरे मसाइल भी हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर आपके से मिला है, होम मिनिस्टर से मिला है, लॉ का मसला चल रहा है, सी पी एस जो है गौर कर रही है अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को, तो हो सकता है उनके वकला ने कहा हो कि आप रिजाइन कर दें, हालात कुछ साजगार नजर नहीं आते। मैं कह नहीं सकता, अगर वाकई रिजाइन किया है तो मुझे ताज्जुब हुआ कि उसे विड्रा करेंगे, फिर वो विड्रा नहीं करेंगे। ये जो अब अगर बैरिस्टर ये कह रहे हैं कि अब अल्ताफ भाई के बयान को इस तरह ने लिया जिस तरह पास भी लिया था, वो तो इसको संजीदगी से लेना नहीं। देखिए इसमें जो कुछ सिकुदला साहब कह रहे हैं इसको संजीदगी से लेना चाहिए, मैं इस बात पर बात करना चाह रहा था, लेकिन सवाल ये है कि एक तारीख एमकेएम की नई रुख पर खड़ी हो गई आकर के, अब जो जिस चीज़ का इजहार वो कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, स्कॉटलैंड यार्ड की टीम पाकिस्तान आई, तीन दो आदमी एफआईए के लंदन जाने वाले हैं, टीम बना दी गई है, तो अब तरीक़ेकार जो है मुअज़्ज़म अली और मोहसिन अली के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हो गया कि कौन मुजरिम है कौन मुजरिम है, उस पर ट्रायल शुरू होने वाला जेल के अंदर, तो अब ये इन सारी चीज़ों को देख करके अल्ताफ साहब उनकी सेहत के बारे में भी अल्ताफ़ साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई कि शायद अल्ताफ हुसैन की समझते हों अल्ताफ भाई कि शायद वो तरह खाला उनके ज़्यादा जोर पड़ रहा है उनके जहनों पे उनके कंधों पे और वो शायद अब दस्तदार आराम करना चाहते हैं, हो सकता है कि संजीदगी हो इस बारे में, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जाए। वर्कर जिस तरह प्रेशर डालते हैं उन पर फिर वो मजबूर हो जाते हैं। जरा मैं आमिर आप इससे पहले कि आमिर आपके पास आऊँ और कादरी साहब के पास आऊँ, मैं चाहता हूँ जरा अब्बास नकवी साहब भी मज़ार कायद पर मौजूद हैं और क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं मुझे नहीं पता क्या डेवलपमेंट हुआ। डॉक्टर फारूक सत्तार तो उस वक्त जो खिताब कर रहे थे वो कह रहे थे कि जनाब अगर हमने कुर्बानियाँ दी हैं और अगर हमारी कुर्बानियाँ लेकर आपका ऑपरेशन कामयाब हो रहा है तो दुरुस्त है, हम और देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि हमने कड़वा घूंट पिया है। तो मैं अब्बास नकवी पास भी जाऊँगा कि ख़ास तौर पर इस हवाले से कि जो अल्ताफ हुसैन साहब ने अगर रिज़ाइन का जो ऐलान किया था इसमें भी जरा सी कंट्रोवर्सी है, क्या वो वापस ले लिया, कारकुन क्या कह रहे हैं? लेकिन आमिर जो आपने बैरिस्टर को भी सुना और सलाउद्दीन हैदर को सुना, इससे ऐसा लगता है क्योंकि सॉरी टू से मैं लव इस्तेमाल नहीं करना चाहता किसी के बारे में, आमतौर पर अल्ताफ हुसैन साहब जब भी रिज़ाइन देते थे या हुकूमतों से अलग होते थे उस वक्त संजीदगी से नहीं लिया जाता था, लेकिन इनका ये भी कहना है और बैरिस्टर का भी ये कहना है कि जितने जो डेवलपमेंट हुए हैं वो बड़े सीरियस हैं, अब वो इस तरह के गैर संजीदा कदम नहीं उठा सकते इस तरह के। और एक और हरीफ बहरहाल बड़ा मैं नहीं कहता कि उनको कितनी बड़ी हिमायत हासिल है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का जो ग्रुप खड़ा है वो भी उसको भी सहन में रखें। आमिर रखो एक कह मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना पड़ रहा है। भाई विजय साहब एक बात तो है कि बिलाशुबा मुतहद कौमी मूवमेंट एक शदीद दबाव का शिकार है और इसका जो आज का चैलेंज है ये 1992 के 94 के 96 के चैलेंज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ की हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जी इस बार पूरा जो टारगेट है अल्ताफ हुसैन साहब की क़यादत है। आप जिस तरह देखें कि एक ब्लैंकेट उनके ऊपर पाबंदी है कि वो TV पे नहीं आ सकते, उनकी तकारीर नशर नहीं की जा सकती, मीडिया जो है बार्ड है कि उनकी तस्वीर नहीं ले सकता, तो ये एक बिल्कुल एक माजी में हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो कि हमने देखा था कि माजी का ऑपरेशन एक लेवल पे ज़्यादा सख्त हुआ करता था मुतहदा के ख़िलाफ़, यानी कि उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी की भी इजाज़त नहीं थी, इस बार कम अज़ कम है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं टारगेटेड ऑपरेशन है। तो क्या अल्ताफ साहब के इस बार के ऐलान को हमें संजीदगी से लेना चाहिए, ये तो खैर आने वाले घंटे और दिन बताएंगे, लेकिन गालिबन मेरे ख्याल में पार्टी में ये दबाव हो सकता है। एक वहाँ पर ज़ाहिर है कि एक हल्का है जो समझता है कि इस वक्त जो ट्रांजिशन का वक्त है
غالباً ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے, الطاف حسین صاحب ہوں گے اپنی جگہ پر, سب پوری بات کر لوں, نام تو رہ گیا مارے جائیں گے. نہیں نہیں, جب کیمرے کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر وقفہ تو میں اس کے بعد آکے میں تھوڑا سا اس کو میں سلاوی حیدر صاحب اور عامر ضیاء اور ہمارے ساتھ بیسٹ سپکر قادری ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں, ان کو اس طرح میں جو جب بریک لیتا ہوں تو لیکن کیمرے کے پیچھے مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں اب آپ صرف بریک ہی لیجئے. میں نے جیسے کہا آپ سے کہا کہ آج اور بھی کئی ایشوز ہیں جو راحیل شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کی جو لیکس ہوئی ہے ویڈیو اس پر بھی, پھر ادھر سوال و جواب کا سلسلہ الگ چل رہا ہے, کل پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب پہنچتے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن پھر جو اہم کراچی کے حوالے سے جیسا ڈیولپمنٹ کے میں مزار قائد پہ جانا چاہوں گا جہاں عباس نقوی ہوں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں, اور اپیکس کمیٹی کے حوالے سے اگر ہمیں انفارمیشن منسٹر چاندوی صاحب مل گئے وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ کور کمانڈر صاحب کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ اس سے مطمئن نہیں. اور یہ بھی بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پہلا ایم پی ایم کا کارکن ہے جس کے حراست کی ان کے تحویل میں ہوئی, اسے انہوں نے قبول کیا, لوگوں کو پکڑا, اور اس سے یقیناً رینجرز کو ایک پورے آپریشن ہی پر اثر نہیں پڑا, بھلے ان کو امبیرسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. چینل 24 میں مجاہد ویلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور مزار قائد سے ہمارے رپورٹر عباس نقوی یہ رپورٹ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا کنفیوژن ہے الطاف بھائی کے اس اعلان کے بعد کہ وہ دستبردار ہو کے ڈاکٹر فاروق ستار کے حوالے اپنی قیادت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تقریر کری تو پھر دوبارہ ایک بار الطاف بھائی جو ہیں وہ مزار قائد پر اپنے کارکنوں کے درمیان آ گئے. یہاں صلاح الدین حیدر صاحب, بڑے سینئر جرنلسٹ, عامر ضیاء میرے ساتھ موجود ہے, بیرسٹر سبکر قاضی لندن میں بھی ہیں, لیکن پہلے چلتے ہیں عباس نقوی کے پاس. جی عباس نقوی, کیا صورتحال ہے آج؟ جو ہمیں کہا گیا تھا کہ 4 بجے کارکن جمع ہوں گے, مزار قائد پر لاپتہ افراد کے حوالے سے موم بتیاں جلائیں گے, لیکن یہ تو ایک نئی صورتحال آ گئی, اور ان کے استعفے کے حوالے سے بھی ایک اور رائے آ رہی ہے, اور جو ٹویٹ کر رہے ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی کہ جناب انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے, یا کیا ہے, کیا صورتحال ہے عباس نقوی؟ دیکھیں مجاہد صاحب, ہم نے کم از کم 3 بار مختلف مواقع پر یہ دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد نے پارٹی قیادت سے استعفیٰ دیا, اور ہر بار یہ دیکھا کہ وہ ناراض تھے پاکستان میں رابطہ کمیٹی سے, لیکن یہ پہلی بار ایسا ہے کہ وہ پاکستان میں رابطہ کمیٹی سے تو ناراض نہیں تھے, اور ان کی پورے خطاب میں کہیں ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جس سے یہ محسوس ہو سکے کہ وہ رابطہ کمیٹی سے ناراض ہیں. وہ درحقیقت ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین جو موجودہ صورتحال ہے یا جو آپریشن کے جو مختلف صرف میں چل رہا ہے, یعنی کہ کبھی ایم کیو ایم کا رینجرز کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے, کبھی مصطفیٰ کمال پارٹی کے ساتھ, اور اب حقیقی بھی میدان میں آ گئی یعنی مہاجر قومی موومنٹ بھی آ گئی. تو ایم کیو ایم کے قائد نے اپنی پوری تقریر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. عباس جی مجھے بتائیے, عباس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. عباس مجھے بتائیے کہ جو خبر بریک ہوئی تھی کہ الطاف بھائی نے ریزائن دے کر ڈاکٹر صاحب کو حوالے کر دیے قیادت, ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی تقریر میں کیا کہا, کیا انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ قبول نہیں کر رہا ہوں الطاف بھائی قائد رہیں گے؟ ایک تو اس حوالے سے مجھے بتائیے, دوسرے اب دوبارہ پھر وہ خطاب کے لیے آ گئے تو یہ اب کیا کہہ رہے ہیں اب, یعنی وہ بحثیت قائد ہی کہہ رہے ہیں ان کا؟ ابھی تو ہم یہ سمجھیں کہ دستبرداری کا اعلان فیصلے پر وہ قائم ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی آج کی جو تقریر تھی وہ غیر معمولی حد تک اگریسو تھی, جس میں ان کا غصہ بھی دیکھا جا سکتا تھا, اور انہوں نے واضح طور پر اپنے جملوں میں یہ کہا تھا کہ وہ پارٹی کی قیادت چھوڑتے ہیں اور پارٹی کو ڈاکٹر فاروق ستار کے حوالے کرتے ہیں, جس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا. اور ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنے, میں دیکھ رہا تھا
कि ऑपरेशन का जिक्र कर रहे थे, एपेक्स कमेटी में जो ऑपरेशन के वाले थे वो कर रहे थे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जो कुछ कहा उसमें ये कहा कि मैं हम अल्ताफ भाई का रिजेक्ट करते हैं क्या, यानी ये क्विक मुझे बताइए। खिताब मुजाहिद साहब, खिताब के दौरान ही एमक्यूएम के कायद ने फिर कारकुनों से राय ली, वहां बैठे हुए अराकीन असेंबली से राय दी और सब ने उन्होंने मना किया। तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो अब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन इंतहाई गुस्से में थे और सारे डिप्रेस थे सारी सूरत हाल को कराची की देखते हुए, और जब वो गुस्से में होते हैं तो इस तरीके के वो फैसले करते हैं, जो कि पाकिस्तान की जो राबता कमेटी है और कारकुन है उन्हें बादजा उस फैसले से दस्तबरदार करवाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो एमक्यूएम का मौकिफ जो सामने आया है इस पार्टी क्यादत को छोड़ने के हवाले से वो यही आया है कि एमक्यूएम के कायद ने ये बात गुस्से में कही और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कही, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर असीर कारकुनों के अहले खाना की एक बड़ी तादाद मौजूद है, इसके अलावा उन लोगों की भी मौजूद है जो लापता है, जिनके बारे में एमक्यूएम के कारकुनों के बारे में कुछ नहीं पता, तो एक बड़ी तादाद उन लोगों की है मौजूद जो मुतासिर हैं बराह रास्त इस कराची ऑपरेशन से। बार आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे लगता है कि मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आप भी जो यकीनन क्योंकि वहां पर मौजूद हैं इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इबहाम जो कन्फ्यूजन जो कंट्रडिक्शन इस वक्त मुत्तहदा की क़यादत या इस वक्त जो आप मज़ार क़ायद पर जहाँ खड़े वहाँ मौजूद है उसमें भी अभी बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहले मैं ज़रा क्विक ज़रा बैरिस्टर से पूछूं फिर आपकी ज़रूरत हो। बैरिस्टर, आपने देखा कि अभी पहले अल्ताफ भाई ने रिज़ाइन दिया, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आ गए, राय ली, वापस लिया, गुस्से में हुआ, फिर खिताब कर रहे हैं। आप तो खैर मैंने कहा इसको फॉलो करते ही रहे हैं, हम क्या क्या समझें जो अभी सलाउद्दीन हैदर या आमिर ज़िया जिस पस मंज़र में कह रहे थे कि आपके ख्याल में आपका इसरार है जो आप पहले बात कह रहे थे कि नहीं वो इस फैसले पे कायम रहेंगे अपने दस्तबरदारी के। बैरिस्टर, मुझे बात ये कि इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था, जैसे कि आपके रिपोर्टर ने बताया ना सामने, उन्होंने गुस्से में कहा, उन्होंने इस दफा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्लेम नहीं किया, अपने किसी को ब्लेम नहीं किया, बल्कि गुस्से में वो इस वक्त वो -1 के फार्मूले का जवाब दे रहे थे, उन पर बड़ा प्रेशर है। आपने देखा कि वो कहा कि उन्होंने बात की है कि एमक्यूएम अक्षीर भी आ गया है सामने और डॉक्टर कमाल भी सामने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे वो अटैक कर रहे थे, वो बड़े प्रेशर में हैं और वो इस वक्त दिखाना वो दोबारा कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि भाई मेरे वर्कर्स मेरे साथ हैं, कुछ भी कर लो रा वगैरह की बात एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि इस वक्त -1 का फार्मूला बड़ा जोर शोर से चल रहा है, उन पर बड़ा प्रेशर है। लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया, क्योंकि एक तरफ वो ये कह रहे थे, दूसरी तरफ आपने देखा मुस्तफा अजीजबाजी कह रहे थे उन्होंने रिजाइन ही नहीं किया है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। मुस्तफा अजीजबाजी ने इन्हें कहा, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कहा उन्होंने रिजाइन नहीं किया, तो उनको हिदायत दे रहे थे कह दो मैंने रिजाइन नहीं किया, इधर गुस्से में कुछ कह दिया, नहीं समझ में नहीं आता। लेकिन बात फिर भी यही कहूंगा कि इस वक्त अल्ताफ भाई सख्त प्रेशर में है, और आपने कहा कि जनाब से ये पहली दफा है कि एमक्यूएम का कोई शख्स हिलाक हुआ है कस्टडी में, रेंजर की कस्टडी में पहली दफे, आपको याद होगा 92 में तो हालिया दिनों में मेरा कहना था, हालिया दिनों में पहला जो वाकया हुआ आफ्ताब अहमद का जिसे तस्लीम किया गया, गिरफ्तारी हुई। भाई साहब पोजीशन ये है अल्ताफ हुसैन के सामने, पहली बात है एमक्यूएम की कि ना कोई बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, एक जमाना था कि पूरा कराची बंद हो जाता था, अब कराची बंद होने की कॉल भी दी जाती है नहीं होता, अब थोड़ी छोटी छोटी सिटिंग हो रही है, तो ये मसला इस वक्त प्रेशर है बहुत सख्त। और अल्ताफ हुसैन मुझे वो कई दफे अरसे के बाद उन्होंने रिजाइन का जिक्र किया, और अब लेकिन उन्होंने ये नहीं कि मैं विड्रा करता हूँ आवाम से, लेकिन मेरा ख्याल है वो ज्यादा दिन रहेंगे नहीं लीडर जी। देखें शफकत साहब जो कह रहे हैं, बड़ा अरसा हो गया मेरी उनसे मुलाकात हुई, तकरीबन 30-35 साल हो गए, लेकिन बहरहाल मैं मशहूर उनका कि उन्होंने बड़ी शफकत से मेरे पेश किया लंदन में जब भी मुलाकात हुई। सबसे बड़ी बात यह कि जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ हमने पहले कहा और जो अब कह रहे हैं, जो अब जिसमें उस मंजर में, ये बिल्कुल दोनों बातें एक ही हैं, इसमें कोई अलहदा नहीं है। हमने शुरू में ही कहा था कि अल्ताफ हुसैन का गम व गुस्सा जाहिर करता है, गम व गुस्से में अक्सर वो नाराज़गी का इजहार करके अपने आप को अलग करते हैं कि जाओ चलाओ तुम ये लोग चलाओ, फिर वर्कर जब प्रेशर डालता है तो वो वापस लेते हैं, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन और तहरीक मुत्तहदा कौमी की तहरीक का कारकुन जो है वो लाजिम मलजूम है, दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते और वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो अल्ताफ हुसैन
आपको माइनस कर देंगे, मुझे माइनस कर देंगे, अपने गवर्नर को माइनस कर देंगे, जो वज़ीर-ए-आज़म हुआ कभी उनका उसको माइनस कर देंगे, लेकिन वर्कर को नहीं छोड़ते, वो उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है और बहुत मोहब्बती इंसान है। तो अगर इस चीज़ को आप देखें तो दोनों लाजिम मंजूम होने के बाद फिर ये बात जाहिर है कि उनको ये एहसास हुआ होगा कि गुस्सा उनका जो था जो मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर भी होगा, इनके ऊपर भी होगा, आप के मारने में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगा, लेकिन अब बाद में जब उन पर वर्कर का जोर पड़ा तो उनके फिर गुस्से में उनका अच्छा भी ठीक है। देखो मुस्तफ़ा अज़ज़बादी का जो ट्वीट आया है तो मुस्तफ़ा अज़ज़बादी उनके बहुत करीब रहते हैं, लंदन रहते हैं, उनके दाएँ हाथ हैं तकरीबन, शायद दाएँ हाथ हैं, दस्तराज सा जैसा गया, लेकिन वो सही बात है कि ये एक चीज़ दोनों चीज़ सही है कि गम व गुस्से में भी प्रेशर में भी वो शायद बहुत कुछ कह गए जो नहीं करना चाहते बाद में उनके साथ। मैं आमिर आपसे अगर अब्बास से कोई पूछ लूँ, अब्बास अब क्या पोजीशन है, जरा क्विक हमें बताएं, वही सूरत हाल है कि अल्ताफ भाई का खिताब जारी है? अब्बास मुजाहिद साहब एक बार फिर एमक्यूएम के कायद का खिताब शुरू हो गया है और ये खिताब बगैर किसी प्लान के है। एमक्यूएम के जराए का ये कहना है कि मीडिया टॉक के बाद, राबता कमेटी की मीडिया टॉक के बाद शमे रोशन करना थी और कायद आजम मोहम्मद अली जिना के मजार पर एमक्यूएम के वफ ने हाजिरी देनी थी। ताहम एमक्यूएम के कायद ने एक बार फिर खिताब शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि इस खिताब में वो मजीद क्या कहते हैं, लेकिन अब तक जो खिताब हमने सुना है वो कराची के हवाले से ये, कराची ऑपरेशन के हवाले से है, कारकुनों के हवाले से है, कोई ऐसी मुतलादा बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन दोबारा एक बार फिर चूंकि अभी जो खिताब किया है तो उसमें क्योंकि माजी में आपको इल्म है कि अल्ताफ हुसैन को इसीलिए स्क्रीनों से नहीं छापा जा रहा था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे थे, उनका लहजा उनकी जबान क्या सख्त है अपने पार्टी के हामियों के पार्टी के वर्करों के लिए भी कि वो कुछ नहीं कर रहे और एस्टेब्लिशमेंट के भी कि वो क्या कर रही है? कुछ अब्बास देखिए मुजाहिद साहब इस खिताब का कंटेंट तो अभी सामने आना है, लेकिन जो लहजा हमने अब से कुछ देर पहले एमक्यूएम के कायद के खिताब का देखा वो लहजा इस किताब में नजर नहीं आ रहा है, कुछ मुतदिल अंदाज से बयान किया जा रहा है, खिताब किया जा रहा है, उस अंदाज से अभी तक तो नहीं महसूस हो रहा, लेकिन ये कि दोबारा खिताब शुरू हो गया है, अब ये देखना है कि इस किताब में क्या अहम बातें होती हैं, किस अंदाज से बातें होती हैं, किस लहजे में बात होती। हमारे साथ रहिएगा। मैं जी आमिर, अरे आमिर ये वैसे एक थोड़ा सा ये बताएं कि हम लोग जो कराची में हैं और एक आम तौर पर जो सिंध में लोग इतने, हम इससे निकल नहीं पाते, चाहे उधर अब पनामा लीक से सख्त हंगामा पड़ पाए, आज जनरल राहील शरीफ का भी क्या है जाए, लेकिन मेरे आमिर रजा पे जब आता हूँ तो फौरन कहा जाता है ब्रेक लिया जाए, लेकिन मैं भी ब्रेक नहीं लूँगा, एक मिनट आपको जरूर दूंगा, मतलब एक मिनट जो है वो नाकाफी होगा बात करने के लिए, फिर भी आप ब्रेक ले लें। अच्छा मैं सिर्फ ये अर्ज करूँ, देखें जो है कि जैसे सलाउद्दीन साहब ने कहा कि दबाव का शिकार है, यही एम्बेसडर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन जो क़यादत का काम ये होता है कि वो जब दबाव का शिकार हो तो वो जज्बाती फैसले ना करे और वो ऐसे फैसले ना करे। आपकी कौन बड़ी जज्बाती है ना आमिर, आमिर दिया देखिए मैं बात करूं, मैं लीडरशिप की एक हम असूली बात कर रहे हैं ना, वो जो भी करें उनकी मर्जी, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम तो उसकी बात करें कि जो जिसकी वजह से मुत्तहिदा जो है बार बार मुश्किल में आती है, जब भी अल्ताफ हुसैन साहब जज्बात में आके, जोश में आकर, गुस्से में आकर कोई ऐसी तकरीर करते हैं और इसी की वजह से उनकी तकरीर पर पाबंदी भी लगी, बेशक मतलब है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है, बिल्कुल है, ठीक है ना, लेकिन जाहिर है कि बाज़ोका तो ये हो रहा था क्योंकि वो अपनी एक तकरीर में एक बात कहा करते थे, फिर उसके बाद वो एक घंटे बाद या अगले मौकों, तो जिस वजह से जो एमक्यूएम का पहला टियर था क़यादत का वो भी बेचारा परेशान रहा करता था कि वो एक पोजिशन लेते थे फिर पता चला वो पोजिशन बदल गई, तो उस वजह से जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो जो आपकी यहाँ पर लोकल लीडरशिप है वो दबाव में आती है, उसकी वजह से पार्टी मुश्किल में आती है, तो जाहिर है कि जब भी कहते हैं कि बहुत सोच समझकर और नपीतुली बात करनी चाहिए, बेशक कितनी आप खिताब कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि ये इस तरह के जो इश्यूज हैं कि आपने एकदम इंपल्स में आकर इस्तीफा दे दिया निकल गए, मेरे ख्याल में बहुत सोच समझ के ये चीजें जो है सियासत को आगे नहीं लेके जाती, मुश्किल में इजाफा करती है। जी मुझे ब्रेक तो कैसे जाना है और ब्रेक के बाद मैं इसलिए डिस्कस करना चाहूंगा आमिर जिया साहब और सलाउद्दीन हैदर साहब एपेक्स कमेटी के इजलास को, और चाहूंगा कि अगर वहाँ उनके कोई मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौला बख्शांडियो साहब या मुर्तज़ा वहाब जो वहाँ मौजूद थे और कुछ अंदर की कहानियाँ मुख्तलिफ करी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो कोर कमांडर साहब ने अब तक कहा वो तो ये कहते हैं कि जी फैसलों में सुस्त रफ्तारी है, दहशतगर्दी की अदालतें कायम क्यों नहीं की गई, यानी वो अपनी जिम्मेदारियाँ कबूल करने के बजाय
कि ऑपरेशन पूरा कोर कमांडर और रेंजर्स कर रहे हैं, अभी भी वो जिम्मेदारियां डाल रहे हैं सिंध हुकूमत पर जो बेबस लाचार है। नहीं नहीं, उनके अफसरों को पकड़ा जा रहा है, उनके मुशीरों को पकड़ा जा रहा है, उनको जो बात हो रही है अदालत की बात हो रही है तो वो रेंजर्स का काम थोड़ी है। इसके बाद आप मुझे मौका दीजिए, जैसे एक ब्रेक की तरफ, जैसे मैंने कहा कि जरा डिस्कस करेंगे कि एपेक्स कमेटी में आज क्या हुआ कि सिंध के सारे बड़े मौजूद थे, कोर कमांडर, रेंजर, गवर्नर, वजीर आला, उनके मुशीर और वजीर, और क्या नए फैसले हुए और क्या इस पर गुफ्तगू करेंगे। देख के बारे में साथ लीजिएगा। चैन 24 में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदेद कहता है। मज़ार कायद पर मुतहदा के कायद अल्ताफ़ हुसैन का खिताब जारी है और उनके रेजिग्नेशन के सिलसिले में अभी तक कहते यही है कि इबहाम मौजूद है कि जहां मुस्तफ़ा ज़ीर आबादी लंदन में उनके नुमाइंदा ये कह रहे हैं, तर्जमान ये कह रहे हैं कि जनाब रेजिग्नेशन नहीं दिया। इसी तरह अल्ताफ़ साहब के बाद फारूक सत्तार साहब आए, कारकुनों की राय ली, कारकुनों ने कहा नहीं देंगे। अल्ताफ़ हुसैन फिर खिताब कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले गुस्से में थे, अब मुतदिल खिताब है। अब्बास नकवी से भी हम राय लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक शायद ब्रेक के बाद लेना पड़े। और आमिर ज़िया और सऊदी ज़िया, जैसे मैंने कहा, बड़े सीनियर जनरल्स यहाँ मौजूद हैं। रफीक भुट्टो साहब हमारे ब्यूरो चीफ से हम मालूम ये करेंगे कि एपेक्स कमेटी के इजलास में जो कुछ अंदरून कहानी आई है उसे क्या समझा जाए। एक बार फिर जो है सिविलियन यानी शाह साहब की हुकूमत को उन्होंने प्रेशर में लेके आए और वो प्रेशर में आ गए और उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। जी भुट्टो साहब जी, हेलो जी, जी मुजाहिद साहब जी, बिल्कुल आज अपेक्स कमेटी का इजलास बड़े अच्छे माहौल में हुआ और उसमें वजीर आला सिंध सईद कायम अली शाह, जो कि इसके कप्तान हैं पूरे ऑपरेशन के, उस पर आपने वजह फरमाया कि आज बड़ा दबाव था, क्योंकि गुज़श्ता अपेक्स कमेटी के इजलास में जो फैसले किए गए थे उस पर उसके अमल दरामद में काफी सुस्तरवी पाई गई और इसका नोटिस कोर कमांडर और इंटेलिजेंस इदारों के जो प्रोविंशियल सेक्टर कमांडर थे उन्होंने भी लिया और उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत सुस्तरवी का शिकार है और नेशनल एक्शन प्लान की पॉलिसी के तहत अपेक्स कमेटी में जो फैसले होते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। इस सिलसिले में उन्होंने सबसे बड़ी मिसाल ये दी कि सिंध हुकूमत के जो वजीर सेक्रेटरी दाखला होते हैं वो इस कमेटी के सेक्रेटरी होते हैं और उनका काम होता है कि चीफ सेक्रेटरी को इसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताएं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जो कि आज के इजलास में मौजूद नहीं थे, वो छुट्टियों पे गए हुए थे, उनकी जगह कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी रिजवान मेमन ने शिरकत की और इजलास के फौरन बाद इसी नोटिस के तहत फिर होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी आपस में बैठे और उन्होंने एक नया फार्मूला तय किया है, एक नई सब कमेटी बनाई है कि आइंदा अपेक्स कमेटी के इजलासों से पहले ये सब कमेटी बैठेगी और ये उसकी सुस्तरवी के जो इश्यूज हैं उसको हल करेगी और बिल्कुल तेज रफ्तारी के साथ बड़ी एक्टिवनेस के साथ ये काम करेगी। ओके भुट्टो साहब, हमारे साथ आप रहिएगा, भुट्टो साहब आप हमारे साथ रहिएगा क्विक, क्योंकि सॉरी टू से एक बजे ब्रेक और भी ले लेना। आमिर, इस वक्त आपको मैंने ब्रेक किया था, सवाल ये है कि ढाई साल तीन साल तो हो गए ना मेखानी ऑपरेशन 2013 से लेकर 2013 के रिजल्ट बता रहे हैं 850 टारगेट किलर मारे गए, फला कर दिया गया, लेकिन मजमूई तौर पर क्या कराची के अवाम, सिंध के अवाम इस हद तक मुतमिन हैं और कहा यह जाता है कि नहीं जी बेहतर सूरत हाल हुई। पॉलिटिकली आप क्या समझते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आइसोलेट करके अगर आप ये समझते हैं कि हमने आयाम कायम किया तो देर पर तो नहीं कहलाएगा ना। साहब इस तरह से इतनी सादा बात नहीं है कि जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को तन्हाई का शिकार किया जा रहा है। सितंबर 2013 से ऑपरेशन चल रहा है, उसकी वजह से आज कराची में सूरत हाल जो है बहुत बेहतर हुई है। आपने मुजरिमों की एक नस्ल का काफ़ी हद तक बिल्कुल सफाया कर दिया, लेकिन आपने जो ब्रीडिंग ग्राउंड हैं जहाँ पर ये इनकी अफजाइश होती है दहशतगर्दों की, मुजरिमों की, जब तक आप वहाँ पर रिफॉर्म नहीं लेकर आएंगे तो उसका मतलब एक नई नस्ल तैयार हो जाएगी। तो जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अफसरों को शिकवा है, वो शिकवा क्या है? वो शिकवा ये है कि जब हमने एक स्पेस क्रिएट की, उस स्पेस में चाहिए ये था कि सिविलियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर आती और तेजी के साथ रिफॉर्म्स करती। देखिए शिकायत क्या है, मैं प्रोग्राम के पहले से में भी कह रहा था, जो बात मुकम्मल रह गई कि आपको अगर मतलब एंटी टेरर कोड्स किसने बनानी है,
आपको जीआईटीस किसने बनानी है मिलकर, प्रोसिक्यूशन किसने स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारे के सारे काम जो है इनके हैं, यानी कि सिविल गवर्नमेंट के काम है, और इसमें कोई इनको माजरत ख्वाना रवैया नहीं अपनाना चाहिए, करेंगे काम। मुझे आप एजुकेशन रिफॉर्म्स करेंगे। मुझे एक बार फिर ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन एक और अहम बात यह है, दो बड़े अहम केस यानी जो ऑपरेशन के हवाले से हुए और जिन पर इल्जाम, बहरहाल इब्तदा में कुछ लोग जो है एक था ना कि जो कुछ भी हो रहा है एमकेएम पे ही डाल देते थे, लेकिन सबीन महमूद और सफूरा गोट के कातिलों को ना सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उनके डेथ वारंट भी पे साइन हो गए और उनको यानी एक बड़ी पेशरफ्त है कि जो दहशतगर्द जिन्होंने कबूल किया। मैं असल हज़र आपके पास आऊँगा, बुक साहब आएंगे, आप उनसे भी कुछ करूँगा, उनसे बात कर सकूँ। और जस्ट मुझे ब्रेक के बाद कंक्लूड करना है कि बहरहाल सिंध के हवाले से ये बड़ा अहम डेवलपमेंट है कि दो हाई प्रोफाइल केसेस, जैसे मैंने कहा सबीन महमूद, सफूरा गेट, और कहते तो ये भी हैं कि जो परवीन रहमान जिनका केस कई साल से पड़ा हुआ था और जिसमें कहा गया कि वो एएनपी का कारकुन है और अलकायदा के लिए काम कर रहा था, ये एक अलग स्टोरी है कि बैक वक्त हमारे ये टारगेट किलर हुए, ये दहशतगर्द हुए, तकरीब हुए, लश्करों, सिपाहों, लिसानी मदबी तंजीमों हर तरफ मौजूद हैं ये लोग मौजूद। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। चैन 24 में एक बार फिर मुजाहिद बल्ली आपको खुश आमदेद करता है। हमारे पास इतनी ही वक्त है कि हम इस गुफ्तगू को कंक्लूड कर सकें कि इवेंट ऐसे थे, मैंने कहा हम तो जनरल लाई शरीफ और मियां नवाज शरीफ पर गुफ्तगू करना चाह रहे थे जिनकी वीडियो लीक्स हुई और जिसके हवाले से ये कहा गया कि पनामा लीक्स पर गुफ्तगू होगी, फिर सवाल जवाब भी चल रहे हैं, पार्लियामेंट में आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, कल देखें वहाँ क्या तमाशा लगेगा। मदार कायद पर जैसे मैंने कहा कि अभी भी तकरीर का सिलसिला जारी है अल्ताफ हुसैन साहब का। एपेक्स कमेटी की अभी कुछ ही देर पहले मीटिंग ख़त्म हुई है, उसके कुछ फैसले जिस पर डिस्कस कर रहे थे हम रफीक भुट्टो साहब से, और एक अहम जो मैं देख रहा हूं कि दो बड़े हाई प्रोफाइल केस थे सलाउद्दीन हैदर साहब सबीन महमूद का और साना सनूरा सफूरा का, जिसमें अलकायदा के लोग पकड़े गए, और परवीन रहमान केस वो भी एक बहुत हाई प्रोफाइल कराची के केस था, उसमें भी अलकायदा यानी इन तीनों में। और एक बात यह है कि बाद हवाले से इनके केस कुछ परवीन रहमान का सबीन का एमकेएम पे ही डाला जा रहा था, आसान था कि जनाब इन लोगों पर डाल दो, शुक्र है उनके आप जान छोड़ गए। तो ये एक और न सिर्फ ये कि ये फैसला भी भारत मिलिट्री कोर्ट ने किया ना, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आर्मी ने किया, आर्मी ने किया ना, कोर कमांडर मिले हैं परसों वज्राला से और उसके बाद ये एपेक्स कमेटी कॉल की गई है। तो मैं तो यही नतीजा खर्च करूंगा कि कोर कमांडर ने ये मीटिंग कह के बुलवाई, काफी अरसे के बाद हुई है एपेक्स कमेटी की मीटिंग, वरना एपेक्स कमेटी तो ना बिल्कुल जनरल राहिल और वज़ीर आलम शरीफ की मीटिंग जो है बहुत अरसे बाद हुई है। एक और चीज है कि एपेक्स कमेटी में आप देखें जो दो जुमले कोर कमांडर के जो कोर्ट करके बाहर आए, रफीक भुट्टो ने भी कहा, आप तक भी खबर पहुंची है, वो ये है कि कोर कमांडर ने कहा कि फैसलों पर अमल दरामद में सुस्त रफ्तारी से काम लिया जा रहा है। तो अब एक किस्म की तश्वीश का इजहार किया गया है, एक किस्म का गुस्सा जाहिर किया गया आपके ऊपर। दूसरा उन्होंने कहा कि देरपा अमन के लिए काम कर लो, करें जरूर, एक किस्म की हिदायत है इसके अंदर, बहुत सख्त हिदायत है कि आप लोग फेल हो गए, सिविलियन गवर्नमेंट वो काम नहीं कर पा रही है जो नेशनल एक्शन प्लान में उनके जिम्मे लगाया गया था। प्रॉब्लम एक और है कि रेंजर जो है वो पकड़ धकड़ करती है, लेकिन उसके बाद पुलिस को जिम्मेदारों को हमले उसके हवाले कर देती है कि अब आप उसकी प्रोसिक्यूशन करें। पुलिस वो काम नहीं करती, सियासी गवर्नमेंट वो काम नहीं करती, वो अपने लोगों को बचाने लगते हैं। और यही डॉक्टर आसिमी केस में हमने देखा कि एक पुलिस अधिकार को तफ्तीश, इससे लेकिन ये जिसके लिए यानी मैं इब्तदा में गुफ्तगू करना चाह रहा था, आज की जो अहम बात है जिस पर हमें गुफ्तगू शायद करनी चाहिए थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि शायद वो सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो रही है कि जब हम लोग ये कहते थे कि काउंटडाउन शुरू हो गया। राहिल शरीफ और नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो आई है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी एक झलक दिखा दूँ, उसमें एक तो ये कि लीक कैसे हुई, कुछ बड़बड़ाते हुए आवाज़ आ रही है दोनों की, यानी कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर एक अंग्रेजी अखबार, एक मुतबर अंग्रेजी अखबार ने कुछ अल्फाज भी दे दिए क्विक जरा सा। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल ये होता है कि वीडियो जो होती है साइलेंट पे रखा जाता है, क्योंकि स्टेट मीडिया होता है और उनको इतनी मेरे ख्याल में कब से कर रहे हैं कवरेज, उसमें ये नहीं होगा कि वो अगर आप दोनों दो हजरात बात कर रहे हैं तो उनका वो साउंड सिस्टम बंद होता है, अगर बंद भी हो या खुला भी हो गलती से तो उसको शेयर नहीं किया जाता। नहीं, उसमें देखें आप नवाज शरीफ बात कर रहे हैं और राज शरीफ से देख रहे हैं उसको। अरे वो वर्ड्स क्या थे कि ये समझ रहा था कि अलग अलग तर्जुमा लोग कर रहे हैं, वो उन्हें कोई याद दिला रहे हैं कि वो जहर है। देखिए नामुकम्मल बात है, उस पर हमें मेरे ख्याल में तफसील नहीं, मैं सिर्फ जो हिडन पैगाम है जो लीक की बात गवर्नमेंट की तरफ से आई है। देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि मुसलसल सियासी एक अदम इस्तेकाम है, इदारों में हमें कशीदगी नजर आ रही है, महाजराई का सिलसिला जारी है, सियासी इंतशार है। अच्छा कोई भी मुल्क जो है इस
सूरतेहाल को बहुत तवील अरसे तक मुसलसल, अगर ये चीज़ मुसलसल हो जाए तो उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान में आज ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसको हल होना जरूरी है। ये किस चीज़ की गंबाजी है, छोटा सा इशू है ना कि जी लीक हो गया, नहीं हो सकता है, को एक बार फिर कहा गया होगा चढ़ाई करो नवाज शरीफ के ऊपर। ये कहने की बात नहीं होती, बात मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट के ऊपर पाकिस्तान के मफादात की सही तरह से तर्जुमानी नहीं कर पा रहे। देखिए ऐसे आपको अंदाजा हो रहा है, ये जो अंदाजा हो रहा है कि ये जो आप जरा देखें, एक सेकंड में हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये राहिल शरीफ और नवाज शरीफ साहब की जो मशहूर जमाना क्लिप्स हैं कुछ भाई, उस पे तो बड़ा तनाव का शिकार नजर आ रही है। नवाज शरीफ बोल रहे हैं बॉडी लैंग्वेज ये बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि जो मेरी मतलब है, जो मेरी आंख से मुझे नजर आ रहा है कि वो बहुत बेचारे मुश्किल का शिकार नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है लग रहा है कि वो किसी चीज की वो कर रहे हैं, वजाहतें कर रहे हैं, और राहिल शरीफ साहब अकाउंटेबिलिटी के लिए बैठे हैं। सलामी नजर बॉडी लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज क्या उनके जो लब हिल रहे हैं और जो नहीं टेंस अफसोस के वो पूरे अल्फाज हम तक साफ सुनाई नहीं दिए, लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ बड़े हंस के और किसी चीज के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, जैसे उसने कहा आमिर ने कहा बिल्कुल सही कहा, राहिल शरीफ की बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो वो गौर से उनकी बात सुन रहे हैं, लेकिन जो खबरें जो बाद में लीक हुई हैं मीडिया पे चली वो कही जाए, ख्वाजा आसिफ ने उसको कंटेस्ट भी किया, लेकिन फिर डॉन ने जो बहुत मौकर अखबार है उसने बाकायदा फ्रंट पेज पे उसने छापी कि उन्होंने तशवीश का इजहार किया था कि आप अपने आप को पनामा लीक से निकालें जल्दी करें वरना आर्मी में भी बेचैनी पाई जाती है। मेरे ख्याल इस पर तो हमें बहुत तफसील से गुफ्तगू करनी थी और करने भी, लेकिन हम क्या करें कि कराची में अगर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के हवाले से ये खबर आए कि वो मज़ार कायद पर जमा हैं, ये खबर आए कि उनके कायद ने रिज़ाइन दे दिया है, और फिर ये खबर आए कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसमें कराची ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू हुई, तो फिर सारा वक्त इसी पर ही गुफ्तगू करनी थी। थैंक यू सलाउद्दीन हैदर, आमिर ज़िया और काजी साहब, आपको भी शुक्रिया कि आपके पास नहीं आए, और देखें कितनी तेज़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, ख़ासतौर पर कल क्या होने जा रहा है जब जुमे को पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आएंगे। दोनों जानिब से बड़ी तैयारियां हैं, देखें कोई घमसान का रंग ना पड़ जाए कल पार्लियामेंट के इजलास में और कोई ऐसा सानिया वाक़ ना हो जाए कि इसके बारे में कुछ ही कहता। मिलते हैं आपको शायद पीर को याद रहेंगे।